श्रवण परंपरा के अंतर्गत आयोजित इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर धर्मचंद जैन जी पधार चुके हैं। आपका परिचय इस प्रकार है कि आप जैन धर्म एवं दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान हैं, जैन धर्म के मर्मज्ञ हैं। इसके साथ ही आप संस्कृत, प्राकृत एवं साहित्य के साथ साथ भारतीय धर्म दर्शन में भी मर्मज्ञ हैं। आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में बौद्ध विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही आप बौद्ध अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। वहीं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता भी रहे हैं। 37 वर्षों तक आपने अध्यापन किया है। अनेक संगोष्ठियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्रों का वाचन भी किया है। आपकी नई पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकें मौलिक हैं, 32 पुस्तकें संपादित हैं। आपने एकेडमिक पर्पस से शैक्षणिक उद्देश्यों को लेकर के हांगकांग, न्यूयॉर्क, लंदन, नेपाल आदि देशों की यात्राएँ भी की है। इसके अतिरिक्त आप जिनवाणी नामक जो मासिक मैगजीन है उसके विगत 24 वर्षों से संपादक भी रहे हैं। अभी भी जिनवाणी मैगजीन चल रही है। तो इस प्रकार से आपका ये एक संक्षिप्त परिचय प्रदान किया है। अब इसके साथ ही मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार। समान शब्द कॉमन है। पाली और प्राकृत दोनों भाषा में समण शब्द कॉमन है। इन समण शब्द का अगर हम अर्थ करें तो संस्कृत में और हिंदी में 3 अर्थ इसके निकलते हैं। एक होता है शमन, जिसमें हम हमारे जो राग, द्वेष, मोह आदि हैं उनको शांत करते हैं। तो श्रवण संस्कृति में इस पर फोकस किया गया है, इसलिए शमन अर्थ भी इसका उपयुक्त है। दूसरा जो इसका अर्थ निकलता है वो समभाव से संबंधित है। समन जो समभाव में रहने की हमको प्रेरणा करता है, ये दूसरा अर्थ भी दोनों परंपराओं में बिल्कुल उचित बैठता है। और तीसरा जो श्रमण शब्द प्रचलित हो गया है वो श्रम से युक्त है। श्रम में हम इस बात को निहित समझेंगे कि ये पुरुषार्थ पर बल देते हैं दोनों दर्शन, और इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब अपने आप होने वाला नहीं है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे दुख से अगर मुक्ति पानी है, हमारे संस्कारों का क्षय करना है, पूर्व संस्कारों का विनाश करना है, तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। और वो श्रम कई प्रकार का हो सकता है, उसमें साधना भी एक प्रकार का श्रम है, जो ज्ञान, दर्शन और आचरण पूर्वक की जाती है वो श्रम। इस तरह से इन तीनों अर्थों को ये दोनों संस्कृतियां बौद्ध और जैन लेकर साथ में चल रही हैं। इन दोनों में हमको और जो समानताएं दिखाई पड़ती हैं, पहली समानता तो यह है कि दोनों कर्म कांड में विश्वास नहीं करती, वैदिक कर्म कांड में विश्वास नहीं करती। वैदिक कर्म कांड से जो अभिप्राय कि ऐसा यज्ञ करने पर इस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति होगी या पुत्र की प्राप्ति होगी या ऐसा फल करने पर ऐसा कर्म कांड किया जाना चाहिए, इस प्रकार के कर्म कांड में इन दोनों की आस्था नहीं रही। इन्होंने पूर्णतः दुख उच्छेद की बात सोची कि पूर्णतम दुख मुक्त कैसे हो सकते हैं। यद्यपि दुख मुक्ति की चर्चा सांख्य दर्शन भी करता है, और सांख्य दर्शन को भी कुछ लोग श्रवण संस्कृति का ही दर्शन समझते हैं, क्योंकि वहां पर भी वेद को दुख मुक्ति का उपाय नहीं माना गया, वैदिक उपाय को दुख मुक्ति का उपाय स्वीकार नहीं किया गया है। पर वैदिक परंपरा वाले लोग सांख्य दर्शन को वैदिक परंपरा के साथ जोड़कर चलते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन दोनों को ही श्रवण संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। यद्यपि आजीवक परंपरा भी हुई, केश कम्बली, बहुत सारे इसमें दार्शनिक हुए हैं, मैं उन सबकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो जैन और बौद्ध की बात है, ये दोनों वैदिक कर्मकांड में विश्वास नहीं करने के साथ, और उसका कहीं खंडन भी वो लोग करते हैं, मन में रखते हैं और खंडन की बात करते हैं कि इससे हमारा कोई उद्धार, क्योंकि जिम्मेदारी जो है, उत्तरदायित्व तो व्यक्ति का स्वयं का है, वो दुखी है या सुखी है, और अपने भीतर में परिवर्तन से वो सुख को उत्पन्न कर सकता है, और भीतर के अगर वो परिवर्तन नहीं करता, जैसे बहाव में बहता है तो दुख को उत्पन्न करता है। इस बातों को दोनों स्वीकार करते हैं। दूसरी जो इनकी समानता है, वो ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं करते कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, ये दोनों दर्शन नहीं मानते। एक बात, और हमको सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर है, ये बात पे नहीं मानते।
और नियतिवाद को भी स्वीकार नहीं करते कि ये सब कुछ नियत है पहले से और जैसा होना है वैसा होगा, ऐसा भी ये नहीं मानते। दोनों दर्शन पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, यानी श्रवण संस्कृति के एक दर्शन नियतिवादी भी रहा है, जो आजीविक परंपरा का है उसको भी ये दोनों नहीं स्वीकार करते। तो इस तरह से इसके अलावा इनमें जो हमको खूबी दिखाई पड़ती है वो है कि ये जाति और वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जाति से कोई शूद्र नहीं होता। जाति का मतलब जन्म से, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, न जन्म से कोई शूद्र बनता है न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। और जैन में भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, यहाँ सूत्र निपात में कहा है, वहां उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, कम्मुना बम्बनो होई कम्मुना हवई खत्ती हो वही सो कम्मुना होई कम्मुना हई हवई शुद्धो शुद्धो हवई कम्मुना। तो कर्म से ही, जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता है। जन्म से हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है इसलिए ब्राह्मण है, या क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है क्षत्रिय है, क्योंकि इन दोनों दर्शनों ने, इन दोनों के प्रवर्तकों ने, जो हम कहें कि समकालीन थे बुद्ध और महावीर, उनमें थोड़ा अंतर था। महावीर थोड़े वरिष्ठ थे और उनके पश्चात हुए बुद्ध, तो इन दोनों में थोड़ा ही अंतर था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका काल रहा है। तो ये दोनों समकालीन होते हुए भी, और इनका उपदेश जो है, दोनों ने ही, ये राजकुमार थे, राजपाट छोड़ करके और अपने जीवन में सत्य का अर्जन करने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, कि सत्य क्या है संसार में, हम कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं और दुख का कारण क्या है, इसकी खोज में निकले और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, दोनों इसकी खोज में निकले। दोनों ने उसकी उपाय की भी प्राप्ति की और जिसको कहते कि बोधि कहें या केवल ज्ञान कहें, उसकी प्राप्ति की। अलग अलग दर्शनों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये दोनों दर्शन आत्म उपलब्धि के द्वारा, जो उन्होंने अपने जीवन में पाया साधना के द्वारा, उसको आम लोगों को बांटा है और आम भाषा में बांटा है। एक प्राकृत में उपदेश दे रहे हैं, अर्धमागधी प्राकृत में महावीर, ये दोनों लोग ऐसा स्वीकार किया गया है। उस दृष्टि से ये दोनों लोग के साथ में जुड़े और उनको समझाना, जो इन्होंने सत्य की उपलब्धि की उसको समझाने का प्रयत्न किया, आम जनता तक वो पहुंचे। जो दुखी लोग हैं उन दुखियों को कैसे उनके दुख का कैसे निवारण किया जा सकता है, क्योंकि दुख का निवारण बाह्य संसाधनों से पूर्णता नहीं हो सकता, आंशिक रूप से हो सकता है, वो भी आवश्यक है, करुणा भी आवश्यक है, आंशिक रूप से उन दुख का निवारण हो सकता है, लेकिन परम करुणा महाकरुणा तो उनको जो संसार का दुख का मूल कारण है उसका उच्छेद करने पर प्रकट होती है। और वही दुख का उच्छेद कैसे हो सकता है कि जब वो तृष्णा का क्षय करेगा, जब मोह का क्षय करेगा, राग द्वेष का क्षय करेगा, अज्ञान का क्षय करेगा, तब ये पूरी तरह से दुख का विनाश हो सकता है। जिनसे दुख की प्राप्ति होती है उन दुख के कारणों का क्षय करने की आवश्यकता होती है। बौद्ध दर्शन में उसको द्वादश आयतन के रूप में कहा गया है और जैन दर्शन में भी उसको भांति भांति से कहा गया है कि दुख क्यों पैदा होता है। अविद्या के कारण दुख पैदा होता है, अविद्या संभवा दुखा, अविद्या से दुख पैदा होता है, शरीर के प्रति आसक्ति से दुख पैदा होता है, यानी आसक्ति भी दुख का कारण है, आरंभ परिग्रह दुख का कारण है, दुख के अनेक कारण है। उन कारणों को अलग अलग गाथाओं में जैन धर्म में भी प्रतिबिंबित किया गया है। तो ये जो दुख के कारण हैं, उन दुख के कारणों का कैसे विनाश हो, इसका बौद्ध दर्शन में भी और जैन दर्शन में भी सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है, ये भी इन दोनों का साम्य हम कह सकते हैं। इनके अलावा जब बात करें तो ये दोनों लौकिक अभ्युदय को महत्व नहीं देते। वैशेषिक दर्शन जहाँ धर्म का लक्षण करता है, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय हो, लौकिक अभ्युदय हो और निःश्रेयस की मुक्ति की प्राप्ति हो, वह धर्म होता है। लेकिन ये दोनों धर्म को उस कोटि में नहीं रखते। धर्म ये अंतिम रूप से जब राग द्वेष की समाप्ति जिससे हो, चित्त की विशुद्धि जिससे हो, वह धर्म होता है। जिससे चित्त की विशुद्धि होती है, आत्मविशुद्धि होती है, वह धर्म है। इस रूप में धर्म का प्रतिपादन करके वो अभ्युदय तक नहीं अटकाना चाहते। यद्यपि अभ्युदय से उनका विरोध नहीं है, पर वो धर्म का लक्ष्य वहां तक सीमित नहीं करते, धर्म का लक्षण वहां तक सीमित नहीं करते। तो ये इन दोनों की एक विशेषता हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ इन दर्शनों में हम देखते हैं कि इनमें ब्रह्म विहार जो है, बौद्ध दर्शन में ब्रह्म विहार है, चार, मैत्री, प्रमोद, जिसको मुदिता कहा, करुणा और उपेक्षा, इन चार का प्रतिपादन हुआ है। इन्हीं का प्रतिपादन जैन दर्शन में भी हुआ
और जैन दर्शन में मैत्री, करुणा और प्रमोद भावना और एक मध्यस्थ भावना के रूप में उनका प्रतिपादन हुआ है, तो भावना के रूप में वहां कहा गया। इस तरह से हम उनमें समानता देखते हैं। एक विशेष बात उसमें ये है कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर दोनों बल देते हैं। जहां अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि भगवान बुद्ध जब कहते हैं, उन्होंने चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है और दुख निवारण का उपाय भी है। इन चार आर्य सत्यों को, आर्य सत्य यानी नोबल ट्रुथ है, ये परम सत्य है कि दुख है, इसको स्वीकार करेंगे तब दुख का हम कारण भी ढूंढेंगे कि दुख क्यों है, दुख की तह में जाएंगे। तो पहले समस्या है इसको स्वीकार करेंगे, हम समस्या को समस्या नहीं मानेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा। दुख है इसको स्वीकार करेंगे, फिर दुख का कारण क्या है उसको हम जानेंगे। दुख का कारण अधिकतर लोग बाहर में मानते हैं कि मेरे दुख का कारण अमुक व्यक्ति है, अमुक परिस्थिति है या अमुक सरकार है, दुख का कारण दूसरों पर आरोपित करते हैं। पर ये दोनों दर्शन इस बात का प्रतिपादन करते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर खोजिए। भीतर में दुख का कारण मौजूद है, उस भीतर के दुख के कारण को आप ही दूर कर सकते हैं, स्वयं को दूसरा दूर नहीं कर सकता। इस बात को ये बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो दुख है और उसका कारण भी भीतर मौजूद है, फिर दुख का निवारण संभव है। कारण जान लेंगे तो निवारण तो हो ही सकता है, निवारण कैसे हो सकता है उसका उपाय भी बता दिया अष्टांगिक मार्ग के रूप में। और उसमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जिसको जैन दर्शन कहता है, इन दोनों को, दोनों पर इन्होंने बल दिया है। और सम्यक चारित्र की बात जब हम करते तो अष्टांगिक मार्ग के जो बाकी अंग हैं वो सम्यक चारित्र के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। तो इन दोनों में हम एक समानता देख सकते हैं कि मुक्ति के मार्ग में जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध करते हैं वो त्रिविध उपाय के आधार पर, या उसमें तप भी हम शामिल कर सकते हैं, चतुर्विध उपायों के आधार पर जैन दर्शन में भी दुख मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इस तरह से जैन और बौद्ध दर्शन में हम कुछ समानताएं पाते हैं। एक समानता यह है कि ये त्रिशरण की बात करते हैं बौद्ध, त्रिशरण की बात करते हैं यानी कि तीन की शरण में जाने की बात करते हैं। तीन कौन है? तो वह कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। संसार में वो एक और कोई शरण योग्य नहीं है जिसकी शरण स्वीकार की जाए, जिसका आश्रय स्वीकार किया जाए कि वो हमको दुख मुक्त कर देगा, हमारा हित कर देगा, परम हित कर देगा। परम हित करने वाला ये तीन ही शरण हो सकती हैं, बुद्ध की शरण, बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसकी शरण, धर्म की शरण और जो धर्म करने वाले लोग हैं संघ में उन संघ की शरण। इन तीनों की शरण अगर कोई स्वीकार करता है वो तो दुख मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, पर जो संसार की शरण स्वीकार करता है वो दुख मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी ही चार शरण की बात जैन दर्शन में कही गई है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। इसमें जो बुद्ध की बात, वहां केवल एक बुद्ध है, या बुद्ध की जगह दो शब्द आ गए हैं अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत जो कि चार घाती कर्मों का क्षय करके उस समय वर्तमान में रहते हुए उपदेश देते हैं वो अरिहंत हैं, और जब वो सिद्ध अवस्था को, आठ कर्मों का क्षय कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो वो सिद्ध हैं। इन दोनों को नमन किया गया है यहाँ पर, और वहां केवल बुद्ध को नमन किया गया है, उनकी शरण स्वीकार की गई है। बाकी दो जो शरण है, साधु की शरण और धर्म की शरण, वहां साधु की जगह संघ शब्द का उपयोग किया गया है और धर्म की शरण दोनों में है। तो इस तरह से चतुशरण का और त्रिशरण का हम साम्य भी देखते हैं और किंचित भेद भी देखते हैं कि यही शरण भूत है, बाकी की शरण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। एक समानता हम इसमें देखते हैं कि पांच महाव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म में हुआ। पाणाई वायो वायाओ वेरमणम, मूसा वायाओ वेरमणम, अदिन्ना दानाओ वेरमणम, मेहुणाओ वेरमणम, परिग्रहाओ वेरमणम, ये पांच महाव्रत हैं। यानी प्राणातिपात से विरमण होना, प्राणातिपात शब्द यहाँ पर हिंसा का द्योतक है, किसी के प्राणों का अतिपात न करें, क्योंकि प्राणों का अतिपात ही हिंसा है। आत्मा की तो शाश्वतता मानते हैं, आत्मा तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन प्राण हनन हो जाने पर ही हम मरण कहते हैं। तो प्राणातिपात से विरमण होता है,
ये एक महाभारत प्राणादिपात से विरमण स्वीकार करते हैं, जो साधु हैं साध्वी हैं वो महाभारत को धारण करते हैं, तब प्राणातिपात से पूर्णतः विरमण होता है उनका, पूर्णतः उससे विरति हो जाती है, रुक जाते हैं। और जो मूसावाद वृषावाद से झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने पर जीवन की गति आगे नहीं बढ़ सकती, वो सत्पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक, जब सत्य को पाना है तो मृषावाद का आलंबन तो सत्य से विमुख करने वाला है, इसलिए मृषावाद का पूर्णतः त्याग करते हैं। अदत्ता दान का त्याग करते हैं, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेते। और मैथुन सेवन का, जिसको बौद्ध दर्शन में कामाचार कहा है, उसका पूर्णतः त्याग करते हैं, और परिग्रह का भी त्याग करते हैं। इन पंच महाव्रतों का साधु पालन करता है, मन वचन और काया तीनों से, और स्वयं भी हिंसा नहीं करता, दूसरों से भी नहीं करवाता, और करने का अनुमोदन भी नहीं करता। इस तरह से तीन योग और तीन करण से वहां पर त्याग कहा गया है। बौद्ध दर्शन में इन पांचों में एक शब्द का अंतर हमको दिखाई पड़ता है कि वहां पर परिग्रह विरमण शब्द नहीं है। सुरा मेरे यश, सुरा आदि का मध्य प्रमाद स्थान आदि का, उससे विरति की बात करते हैं, उससे विरमण की बात वहां पर की गई है। एक व्रत का ये डिफरेंस है, और वहां पर क्रम भी दूसरा है। पहले परिग्रह, पहले प्राणाय वायो विरमणम, फिर अदिन्नादानो विरमणम, फिर कामाचारा विरमणम, फिर उसके बाद अदिन्नादानो विरमणम, फिर सुरा मेरे आदि से विरमण, ये क्रम वहां पर रहा है। तो ये दोनों में समानता भी है और किंचित भेद भी है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य वहां पर भी एक भिक्षु संघ बना, और यहाँ पर साधु संघ बना जिसको तीर्थ कहा गया है। यहाँ तीर्थ शब्द से, संघ शब्द से कहा गया, चतुर्विध तीर्थ की परिकल्पना जैन दर्शन में हुई, जिसमें साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, जिसको उपासक उपासिका कह सकते हैं, बौद्ध दर्शन में भी उपासक उपासिका है, ये चतुर्विध संघ वहां भी बना। लेकिन प्रारंभ में बुद्ध नहीं चाहते थे कि साध्वी संघ बने और भिक्षुणी संघ बने। भिक्षुणी संघ आनंद की एक याचना पर, उसकी विनय पर, उसकी विनती पर बनाया गया, लेकिन बुद्ध उससे सहमत नहीं रहे प्रारंभ में। और यही कारण है कि वहां पर पालन जो है साधु साध्वी का, जिस प्रकार का आचार का पालन हमको जैन परंपरा में मिलता है, उससे आज भी बहुत से, या कहें कि अधिकतर साधु साध्वी आज भी परंपरा का निर्वाह ठीक से कर पा रहे हैं। वहां इतने कठोर नियमों का प्रतिपादन हुआ, उसकी पालना हुई, इसलिए जैन धर्म में जो साधु साध्वी हैं, श्रावक श्राविका हैं, ये आज भी तीर्थ के रूप में जीवित हैं, और उनमें देखा जा सकता है कि वो किस प्रकार से पंच महाव्रतों का पालन करते हैं। बहुत से बहुत अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं, अपवाद सब जगह मिल सकता है। बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं परंपरा में आज क्षीणता आई है, इस दृष्टि से वहां पर पंच महाव्रत के पालन में भी कुछ क्षीणता दिखाई पड़ती है, और भिक्षुणी संघ का भी बीच में अभाव हो गया। अभी कहीं कहीं कोई भिक्षुणी है, लेकिन अभाव तो उस समय हो गया था। तो ये भिक्षुणी संघ, क्योंकि वहां पर उस तरह के नियम नहीं रहे और परस्पर मिलने जुलने की जो कठोरता वहां पर नहीं थी, यहाँ आज भी कठोरता है कि कैसे साधु साध्वी परस्पर कब बात कर सकते हैं, और वो सायंकाल रात्रि में तो एक साथ रह ही नहीं सकते, बहुत कम समय के लिए, और वो भी किसी पुरुष और स्त्री की साक्षी में रहते हैं, अलग से मिलने का निषेध है। तो इस तरह से कठोर नियमों के कारण से जैन परंपरा में ये परंपरा सुरक्षित रही है। और श्रावकों के लिए भी पांच अणुव्रतों का प्रतिपादन जैन धर्म में हुआ है, वहां पर श्रामणेर के लिए भी इस प्रकार का विधान मिलता है। तो ये अपने को उत्तम बनाने के लिए, पहले जब तक आचरण में हम उत्तम नहीं होंगे, आचरण हमारा श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक दुख मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना और सम्यक दृष्टि को पैदा करना, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करना, सम्यक संकल्प को उत्पन्न करना भी कठिन होता है। तो पहले कुछ कुछ आचरण हमारा ठीक होने पर हम इनको प्राप्त करके आचरण को और फिर सुदृढ़ किया जा सकता है, इस तरह का प्रतिपादन यहाँ पर हुआ है। अगर हम तत्व मीमांसा की बात करें दोनों दर्शनों में, तो जैन दर्शन पंचास्तिकाय का निरूपण करता है और षड द्रव्यों का प्रतिपादन करता है, जिनमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, खुदगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और एक काल द्रव्य। काल को अस्तिकाय नहीं माना क्योंकि उसके प्रदेशों का परिचय नहीं होता है, तो ये इनका प्रतिपादन जैन धर्म करता है। षड द्रव्यों का प्रतिपादन करता है, पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करता है। ये पांच अस्तिकाय पूरे लोक में है, धर्मास्तिकाय पूरे लोक में है, अधर्मास्तिकाय पूरे लोक में। धर्मास्तिकाय गति में सहायक निमित्त बनता है, जीव और पुद्गल द्रव्य की, मैटर की और सोल्स की गति में ये माध्यम बनता है। और दूसरा जो अधर्म है, अधर्मास्तिकाय है,
वो इनकी स्थिति में एक जगह ठहरने में निमित्त बनता है। आकाश तो सबको स्थान देता है और जो पुद्गल है वो सारा मैटर पुद्गल में समाहित हो जाता है। इसमें वर्ण गंधर से स्पर्श स्वीकार किया है, वो चाहे परमाणु से लेकर के और बड़े बड़े स्पंदों तक, चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो, सब बड़ी बड़ी जो भी हमको विजिबल चीजें हैं उन सब, या बहुत दूर की हैं, पास की हैं, वो सब पुद्गल में समाहित हो जाती हैं, जिसको बौद्ध दर्शन में रूप कहा जाता है। और जो जीव है, जीव का अस्तित्व जैन दर्शन स्वीकार करता है, और जीव को वह नित्यात्मक के रूप में दार्शनिक दृष्टि से कहें तो नित्यात्मक के रूप में प्रतिपादित करता है कि जीव नित्य भी अनित्य भी है, और द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, ऐसा प्रतिपादन करता है। बौद्ध दर्शन में उसको न तो अनित्य कहा है न नित्य कहा है, इन दोनों से परे कह दिया गया है। पर अनित्यवादी क्षणिकवादी होने से लोग बौद्धों का जो बौद्धों की समीक्षा क्षणिकवाद के रूप में करते हैं, अनित्यवाद के रूप में ही करते हैं। पर बुद्ध ने ये बात स्वीकार की है कि जब निर्वाण होता है तो निर्वाण नित्य होता है, निर्वाण परम सुख होता है, नित्य होता है तो परम सुख हो जाता है। निर्वाण में यद्यपि वो चेतना का प्रवाह समाप्त हो जाता है, वहां पर प्रवाही चेतना को स्वीकार किया है या चित्त को स्वीकार किया है, या कहें कि विज्ञान की धारा सतत चलती रहती है, इस रूप में कहें चित्त की धारा सतत चलती रहती है, लेकिन कॉन्शियसनेस के बिना वहां काम नहीं चलता। कॉन्शियसनेस को तो वहां भी स्वीकार किया गया है, चाहे उसको नित्य न स्वीकार किया गया हो, जैन दर्शन उसको नित्य और अनित्य दोनों तरह से प्रतिपादन करता है। तो ये उसमें कुछ भेद भी रहा है और दोनों में कुछ समानता भी हमको दिखाई पड़ती है। ये जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा में जहां जैन धर्म ने जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश पुद्गल जीव और काल इनको स्वीकार किया है, तो बौद्ध दर्शन में अगर हम ध्यान दें तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के अतिरिक्त बाकी चार द्रव्यों को बौद्ध भी स्वीकार करते हैं। आकाश को भी स्वीकार करते हैं, काल को भी स्वीकार करते हैं, और पुद्गल को रूप के रूप में स्वीकार करते हैं, और जीव को भी वो पुद्गल शब्द से या चित्त शब्द से या विज्ञान शब्द से कहें या चेतना शब्द से कहें स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से इनमें थोड़े से डिफरेंस के साथ, क्योंकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो ऐसे द्रव्य हैं जो और दूसरा दर्शन भारत में और बाहर कोई स्वीकार ही नहीं करता, ये केवल जैन दर्शनों का ही अपना मूल स्थापना है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के रूप में। यद्यपि सांख्य दर्शन अवश्य प्रकृति में ये तीन गुण स्वीकार जो करता है उसमें सत्वगुण रजोगुण तमोगुण माना गया है, तो रजोगुण क्रिया में सहायक होता है, तमोगुण स्थिति में सहायक होता है, वहां पर इस तरह से एक ही प्रकृति ने इन गुणों को स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जो पूर्ण लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में व्याप्त है धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आदि। इस तरह से इन दोनों में एक तत्व मीमांसा की दृष्टि से हमको समानता भी दिखाई पड़ती है और असमानता भी दिखाई पड़ती है। फिर एक तत्व मीमांसा की दृष्टि से हम विचार करें तो बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है, क्षणिकवादी है, वहां पर सबको अनित्य कहा है और अनित्य होने से ही सब दुख है, अनित्य है इसलिए दुख है, तो चाहे वो संस्कार हो चाहे कुछ भी संसार में, वो सब अनित्य है, अनित्य स्वीकार करते हैं और अनित्य होने से वो दुख है। तो अनित्यता को वहां पर स्वीकार किया गया है, क्षणिकता को स्वीकार किया गया है, और इसके आधार पर ही बौद्ध दर्शन की जो अन्य शाखाएं हैं बाद में जो संप्रदाय विकसित हुए दार्शनिक संप्रदाय जो अपने आप में स्वतंत्र दर्शन का प्रतिपादन करते हैं उनमें भी क्षणिकवाद कहीं कहीं अन्वित रहता ही है, चाहे वो सौत्रांतिक हो, चाहे वो वैभाषिक हो, चाहे वो योगाचार या विज्ञानवादी कहें उनको, और एक शून्यवादी या उनको माध्यमिक भी कहा गया है। तो इस तरह से चार परंपराएं बौद्ध दर्शन में विकसित हुई जो बुद्ध के उपदेश के आधार पर विकसित हुई है, उनमें क्षणिकवाद कहीं कहीं अवश्य अन्वित रहता है, क्षणिकवाद के बिना वो आगे नहीं बढ़ते। पर जैन दर्शन का अपना वैशिष्ट्य है, वो क्षणिकता को भी स्वीकार करता है और नित्यता को भी स्वीकार करता है। एक बार बुद्ध के सामने इस तरह का प्रश्न आया कि ये जो लोक है या ये लोक है ये शाश्वत है या अशाश्वत है, सदैव रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, लोक का अंत है या अंत नहीं है, जीव और ये जो शरीर है ये भिन्न है या अभिन्न है, इस तरह के 14 प्रश्न वहां पर आए हैं। उन 14 प्रश्नों का बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन महावीर उनका उत्तर देते हैं।
आगमों में खोजने पर उन सब का उत्तर वहां प्राप्त होता है कि इनकी दृष्टि जो महावीर की दृष्टि है, महावीर की दृष्टि उस दृष्टि से व्यापक है और विधेयात्मक है, वो सकारात्मक दृष्टि से बात को रखते हैं, और बुद्ध जो है निषेधात्मक दृष्टि से बात को रखते हैं। लक्ष्य दोनों का एक है, दृष्टि का भेद है, कथन की दृष्टि का भेद है, और कथन की दृष्टि में एक समानता होती भी भेद है, समानता विभज्यवाद की समानता है दोनों में, दोनों विभज्यवाद का प्रयोग करते हैं, पर विभज्यवाद का प्रयोग करते हुए भी कहीं कहीं इनमें भेद है। तो विभज्यवाद की अगर मैं बात करूं तो विभज्यवाद एक प्राचीन कथन की शैली रही है जिससे आगे चल करके अनेकांतवाद या कहीं स्यादवाद का विकास हुआ जैन दर्शन में। तो विभज्यवाद क्या है, किसी प्रश्न का कोई प्रश्न किया गया, जिज्ञासा की गई, उसको विभिन्न खंडों में करके उत्तर देना विभज्यवाद है। जैसे एक शुभ मानवक ने प्रश्न किया बुद्ध के समक्ष कि ये जो गृहस्थ हैं, ये गृहस्थ ही आराधक होते हैं या और भी कोई आराधक होता है? तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि गृहस्थ अगर सम्यक्ति है तो आराधक होता है, पर अगर वो मिथ्यात्व है तो आराधक नहीं होता है। लेकिन गृहस्थ से भिन्न जो साधु हैं या कहें भिक्षु हैं, वो भी अगर मिथ्यात्व है तो आराधक नहीं होता है, और सम्यक्त है तो आराधक होता है। इस तरह से एक प्रश्न को तोड़ करके जहां जैसा समाधान देना चाहिए उसका समाधान दिया गया है। ऐसे ही हमको जैन परंपरा में भी विभज्यवाद की शैली का उदाहरण प्राप्त होता है, अनेक उदाहरण है, एक उदाहरण रख रहा हूँ। भगवान महावीर से उनकी एक श्राविका जयंती ने प्रश्न किया कि भगवान जीव का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जयंती, जो धर्मनिष्ठ धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सदैव धर्म की प्रवृत्ति करते रहते हैं, धर्मनिष्ठ हैं और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने वाले लोग हैं, वो उनका जागना अच्छा है, और जो अधर्मिष्ठ हैं, पापिष्ठ हैं, निरंतर पाप क्रियाएं करते रहते हैं, उनका सोना अच्छा है। इस तरह से एक तोड़ करके प्रश्न को खंडित करके और उसका उत्तर देना जिससे पूर्णतः संतोष हो जाए जानने वाले को, नहीं तो अधूरे उत्तर से वो भ्रमित हो सकता है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए विभज्यवाद शैली को अपनाया गया, और इस विभज्यवाद शैली के द्वारा दोनों उत्तर देते हैं, फिर भी कहीं कहीं हमको इन दोनों की शैली में अंतर प्रतीत होता है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध ने जिन प्रश्नों को अव्याकृत कह दिया था उनको उनका उत्तर महावीर देते हैं। बुद्ध मौन रहते हैं उन प्रश्नों पर कि लोक शाश्वत या अशाश्वत है। बुद्ध का जो लक्ष्य था वो केवल दुख मुक्ति का कथन करने का था, वो बाकी प्रश्नों के उत्तर में उलझना नहीं चाहते थे, ऐसी उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन महावीर उस पर भी व्यवहारिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि लोक शाश्वत है, शाश्वत भी है, अशाश्वत भी है। कैसे है कि कभी लोक नहीं था ऐसी बात नहीं है, आज लोक नहीं है ऐसी बात भी नहीं है, आगे लोक नहीं होगा ऐसी बात भी नहीं है, इसलिए लोक शाश्वत है। और लोक में सदा परिवर्तन होता रहता है, जैसा पहले था वैसा आज नहीं है, आगे कुछ और परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वो अशाश्वत भी है। इस तरह से वो जिज्ञासु का प्रश्न का समाधान कर देते हैं। इसी तरह से और जो प्रश्न किया गया कि जीव शाश्वत है, जीव या लोक शांत ही अनंत है, लोक का कहीं अंत ही अनंत है, तो इसमें भी बुद्ध मौन रहते हैं। लेकिन महावीर उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि लोक जो है वो अंतयुक्त भी है और अनंत भी है। अंतयुक्त कैसे है कि द्रव्य की दृष्टि से लोक एक ही है, इसलिए वो अंतयुक्त है। क्षेत्र की दृष्टि से भी वह अंतयुक्त है, क्योंकि वह उसकी एक सीमा है, असंख्यात कोटा कोटि योजन की एक सीमा है कि वो इतना लंबा चौड़ा है, तो वहां एक उसके आगे फिर आलोक प्रारंभ हो जाता है जहाँ केवल आकाश है। इस दृष्टि से लोक क्षेत्र की दृष्टि से अंतयुक्त है, और काल की दृष्टि से लोक अनंत है, क्योंकि काल की दृष्टि से लोक कभी अंतयुक्त नहीं होगा, कभी अंत नहीं आएगा, कोई सा भी काल आ जाए लोक तो रहेगा, इस दृष्टि से वो अनंत है। और भाव की दृष्टि से, भाव शब्द से वहां पर उनकी जो पर्याय है वो हमेशा बनी रहेगी, वर्ण गंध से स्पर्श बने रहेंगे, जीव बने रहेंगे, इन सब कारणों से वह अनंत है। सृष्टि को लेकर के वेदों में भी विचार हुआ है कि ये कभी प्रलय होगा और उत्पाद होगा, और दर्शनों ने भी विचार किया है, प्रलय की वहां पर एक अवधारणा रही है कि प्रलय होता है फिर उत्पाद होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन महावीर ऐसा नहीं मानते, भगवान महावीर ने तो ये प्रतिपादन कर दिया है कि लोक पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, परिवर्तन उसमें होते रहते हैं।
तो इस तरह से इनका एक मौलिक अपना एक चिंतन है और मौलिक दृष्टि से वो उत्तर देते हैं, जिससे जो जिज्ञासु है वो संतुष्ट होता है। जीव और शरीर के भेद की बात करें तो जीव और शरीर का भेद, उस पर भी बुद्ध मौन रहते हैं, पर महावीर उसमें भी उत्तर देते हैं कि जब जीव का जो लक्षण है उसमें ज्ञान और दर्शन है, ज्ञान दर्शन गुण जीव के ही हैं, आत्मा के ही हैं, वो जीव के लक्षण नहीं है। पर जब इससे युक्त शरीर से युक्त, जब शरीर जब चेतना से युक्त होता है तब वह भी जीव कहलाता है। शरीर जब चेतना से युक्त होता है, नहीं तो शरीर अलग है, पर शरीर से युक्त जब चेतना से युक्त जब शरीर होता है तो हम उसको जीव कह देते हैं, ये जीव है, तभी उसकी हम हिंसा से बचते हैं। तो वह जीव से भिन्न भी है और जीव से अभिन्न भी है। जीव के साथ रहने से जब वो चेतना से युक्त होता है तो वह अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है, जैसा कुंद कुंदाचार्य भी कहते हैं और अन्य आचार्य भी कहते हैं। तो और लेकिन मूलतः वह जब शरीर को छोड़कर चला जाता है तो वह उससे भिन्न भी है, ऐसा प्रतिपादन महावीर ने किया है। तो इस तरह से बुद्ध जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, महावीर उनका उत्तर देते हैं, ये शैली का भेद है। लेकिन हम बात करें जैसे अनात्मवाद की बात करें, बौद्धों का एक दर्शन है अनात्मवाद, ये भी हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत समझ सकते हैं। बुद्ध को अनात्मवादी कहा जाता है और ये माना जाता है कि बुद्ध ने आत्मा को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि भारतीय परंपरा में आत्मवाद को स्वीकार किया जाता है, आत्मवाद को माना जाता है कि आत्मा जो है आत्मा है, ऐसा पूरा भारतीय दर्शन स्वीकार करता है। भारतीय परंपरा में उसको स्वीकार किया गया है कि आत्मा है, चाहे वो वैदिक दर्शन हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, न्याय हो, सांख्य ने भी पुरुष को नित्य माना है, तो आत्मा को न्यायिकों ने भी माना है, वैशेषिकों ने भी माना है। इस आत्मा को स्वीकार करके भी और नित्य मानते हुए भी नित्य स्वीकार किया गया, लेकिन ये जब सामने था महावीर बुद्ध जो है, बुद्ध क्योंकि दुख मुक्ति की बात करते हैं और दुख मुक्ति की बात में उनका संसार से निर्वेद को प्राप्त होना, संसार से वैराग्य को प्राप्त होना उनका लक्ष्य रहा कि संसार से कैसे कोई विरक्त हो सकता है, संसार से कैसे कोई विरक्ति को प्राप्त करके और निर्वाण की उसमें इच्छा पैदा हो सकती है, निर्वाण की उसमें भावना पैदा हो सकती है, ऐसा बुद्ध समझते थे और इसलिए उन्होंने आत्मा को नित्य स्वीकार नहीं किया। पर आत्मा को वो स्वीकार करते हैं, आत्मा को चेतना को स्वीकार करते हैं। अत्ता शब्द का प्रयोग तो खूब हुआ है बौद्ध साहित्य में, लेकिन वो अपने अर्थ में हुआ है, मेरा अपना, इस अर्थ में स्वीकार किया जाता है उसका। तो अत्ता शब्द का जो कि आत्मा शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसको पृथक आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन त्रिपिटकों में जब बात आती है, विशेष रूप से भदंत नागसेन और एक मिलिंद राजा में एक प्रश्न हुआ, उससे ये बात स्पष्ट होती है। वहां पर प्रश्न किया गया कि ये जो आत्मा है, ये जीव है, जो भी है, जिसको पुद्गल कहो, जो भी कहो, तो ये क्योंकि वहां कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है बौद्ध दर्शन, कर्म सिद्धांत को माना गया है और कर्म सिद्धांत को इस रूप में माना गया, कर्म सिद्धांत के साथ साथ पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया कि पूर्व जन्म के आधार पर हम यहाँ सुख दुख भोगते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं, इसी तरह से हमको इसकी प्राप्ति होती है, दुख सुख की प्राप्ति होती है और हम विभिन्न गतियों में जाते हैं, विभिन्न गतियां प्राप्त होती है। तो कर्म सिद्धांत को बुद्ध ने स्वीकार किया है और अपने उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख जातकों में मिलता है कि बुद्ध पूर्व जन्म में क्या थे, उन सब का विवरण हमको प्राप्त होता है। ऐसे ही महावीर भी या कहें जैन परंपरा भी पूर्व जन्म को स्वीकार करती है और इसीलिए आचारांग का जब प्रारंभ हुआ तो आचारांग में ये प्रश्न उठाया गया है कि जीव कहाँ से आया है, उत्तर से आया है कि दक्षिणा से आया है कि पश्चिम से आया है, कौन सी दिशा से आया है, कौन सी विदिशा से आया है, यानी उसमें ये बात मानकर चले हैं कि जीव पहले था और आज नए शरीर में पैदा हुआ है। और ये गीता भी स्वीकार करती है, पुनर्जन्म होता है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण किया जाता है। पर नित्यता को स्वीकार नहीं करके भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया बौद्ध दर्शन में, ये एक विशेष बात है। और कर्मों का फल स्वीकार किया गया, कर्म का विपाक स्वीकार किया गया, तो कर्म विपाक की बात, कर्म सिद्धांत की बात स्वीकार करके भी बौद्ध दर्शन में किस तरह से आत्मा को नहीं स्वीकार किया गया या किस तरह से वो समाधान करते हैं अपने आप में एक प्रश्न है।
मैं पहले इसके पहले कर्म सिद्धांत की इसमें कर्म सिद्धांत की बात करना चाहूंगा, लेकिन ये जो आत्मवाद है, अनात्मवाद है, अनात्मवाद के बारे में मैं नागसेन की और उसके एक राजा की मिलिंद की चर्चा कर रहा था, वहां एक प्रश्न किया गया कि ये जो जीव है ये क्या ऐसा ही उत्पन्न होता है, ऐसा ही रहता है जैसा यहाँ है, या दूसरा होता है, दूसरा उत्पन्न होता है? तो उसमें नागसेन उत्तर देते हैं कि ये वह भी नहीं होता और दूसरा भी नहीं होता, यानी एकदम पृथक भी नहीं होता है, एकदम नया भी नहीं होता है और एकदम यह भी नहीं रहता है, यानी इसी की एक धारा चलती है, इसी की एक परंपरा चलती है और वही पैदा होती है, उसको उस रूप में समझाना चाहते हैं। तो उस धारा को, उस परंपरा को स्वीकार करने पर ही कर्म सिद्धांत सिद्ध हो सकता है, वहां पर नहीं तो कर्म सिद्धांत संभव नहीं हो सकता, और वहां पर गुरु शिष्य का संबंध स्थापित नहीं हो सकता, घर मकान आदि का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति पूरी तरह बदल गया है, वह रहा ही नहीं है, पूरी तरह दूसरा ही हो गया है, तब तो उनमें कर्म सिद्धांत घटित नहीं हो सकता। और इस बात को मान करके ही जैन दार्शनिकों ने भी, दूसरे दार्शनिकों ने भी बौद्धों का खंडन किया, क्षणिक बात की उसमें की गई, हमको कर्मफल की प्राप्ति इसमें कैसे हो सकती, कर्मफल इसमें नहीं हमको प्राप्त हो सकता, क्योंकि इसको जब हम धारा को, बौद्धों ने यही समाधान दिया कि इसकी चेतना की एक धारा चलती है, विज्ञान की संतति चलती है, जो विज्ञानवादी है विज्ञान की संतति की बात करते हैं, और वहां पर आलय विज्ञान को स्वीकार किया है, प्रवृत्ति विज्ञान को स्वीकार किया है। तो आलय विज्ञान वो जो वासना के संस्कार है हमारे, जो कर्म संस्कार है जिसको हम कह सकते हैं, कर्म संस्कार उस आलय विज्ञान में एकत्रित होते हैं, जिसको जैन दार्शनिकों ने कार्मण शरीर कहा है। कार्मण शरीर में हमारे कर्म संस्कार रहते हैं और समय आने पर वो फल प्रदान करते रहते हैं। हम जो वर्तमान में हैं वो हमारे कर्म संस्कार के अनुसार हैं, वो उदय में आए हुए हैं, उसके अनुसार ही हमारे चित्त वृत्ति काम करती है, हमारी भावनाएं काम करती है, हम वैसा सोचते हैं जैसे हम पहले संस्कार इसमें डाले गए हैं। तो उन संस्कारों का विनाश किस प्रकार से, उनका कैसे हम निराकरण करें, इसी के लिए ये दोनों दर्शन अपने दर्शन में बहुत सारे उपायों का प्रतिपादन करते हैं। तो ये जो कर्म थ्योरी है, कर्म थ्योरी को दोनों स्वीकार करते हैं, और बुद्ध ने कहा भी है कि वहां कर्म जो है विपाक को देते हैं और विपाक से नया कर्म पैदा होता है, ये एक श्रृंखला चलती रहती है कर्म का, विपाक यानी फल। तो कर्म विपाक को ये भी स्वीकार करते हैं, जैन भी स्वीकार करते हैं, पर कर्म सिद्धांत का जितना सूक्ष्म और जितना विस्तार से वर्णन हमको बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा में प्राप्त होता है, वैसा बौद्धों में नहीं मिलता। जैन दर्शन में कर्म के 8 भेदों का प्रतिपादन है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म प्रतिपादित हैं, जबकि इस तरह के भेद वाला वहां पर हमको कर्म का विवेचन इतना प्राप्त नहीं होता। कर्म के बारे में ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म अलग है, दर्शन को आवरण करने वाला कर्म अलग है, मोहनीय कर्म अलग है, इस तरह से जो कर्म का प्रतिपादन है, और बड़ा लिटरेचर जैन दर्शन में है, बहुत लिटरेचर है, षटखंडागम में भी कर्म की चर्चा है, कसाय पाहुड़ में भी, महाबंध में भी, प्रज्ञापना सूत्र में भी, 5-6 कर्म ग्रंथों में भी, दोनों परंपराओं में, प्राकृत में भी कर्म ग्रंथ, कहीं संस्कृत में भी कर्म ग्रंथ, और पंच संग्रह आदि बहुत सारा ग्रंथ जो है लिटरेचर वो कर्म सिद्धांत को लेकर के रचित है। उस कर्म सिद्धांत को जैन दर्शन में जिस तरह से प्रतिपादित किया है और एक एक अवस्था का प्रतिपादन किया है कि कैसा कैसे हम किस कर्म का किस तरह से फल प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ इन कर्मों का विनाश करने के लिए जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और गुणस्थानों का सिद्धांत, गुणस्थानों का सिद्धांत जैन दर्शन की अपनी मौलिक विशेषता है, जो बौद्धों में उस प्रकार से हम गुणस्थान शब्द से प्राप्त नहीं करते, लेकिन वहां भी विकास की दृष्टि अपनी दृष्टि से है। तो ये जो जैनों का अपना, जैन दर्शन का अपना वैशिष्ट्य है कि वहाँ गुणस्थान सिद्धांत, लेश्या सिद्धांत, ये अपने उनके अपने सिद्धांत, भाव का सिद्धांत, 5 प्रकार के भावों का प्रतिपादन है, जिसमें जीव के ही परिणति है, वो चाहे वो औपशमिक भाव हो, क्षायिक भाव हो, क्षायोपशमिक भाव है, औदयिक भाव है, पारिणामिक भाव है, ये 5 प्रकार के भावों का प्रतिपादन है, वैसा हमको 5 भावों का प्रतिपादन बौद्ध दर्शन में प्राप्त नहीं होता। तो ये जैन में और बौद्ध में बहुत सारे हमको डिफरेंसेस मिलते हैं, पर वो जो बुद्ध हैं, बुद्ध कर्म सिद्धांत को स्वीकार अवश्य करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, और उसकी पुष्टि कई तरह के हमको शब्दावली से प्राप्त होती है, कई तरह के शब्दावली से पुष्टि हुई है, जैसे वहां कहा है कम्मा विपाका विपाको कम्मा विपाका वत्तंति, और विपाको कम्म संभवो, कर्म से विपाक पैदा होता है और विपाक से कर्म पैदा होता है, कम्मा पुनर्भवो होती, कर्म से पुनर्भव होता है, पुनर्जन्म होता है,
एवं लोकोपवत्त, इस प्रकार से संसार चलता रहता, संसार का चक्र चलता रहता, जन्म मरण का चक्र चलता रहता। जो अभी 20वीं शती में अंबेडकर हुए, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बौद्ध दर्शन को अंगीकार किया, बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। बौद्ध धर्म को अंगीकार करते समय जो बुद्ध के उपदेश हैं उनमें कुछ कहीं वहां परिवर्तन भी उन्होंने स्वीकार किया है। उसमें एक परिवर्तन ये है कि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, अंबेडकर ने पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं और प्राचीन धारा है उसमें पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, ये गाथा भी उसको सिद्ध करती है। तो ये इसी तरह की बात जैन परंपरा में भी, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहाणा ये सुहाणा ये अप्पा अमित्तम अमित्तम च दुपट्टियो सुपट्टियो, आत्मा ही अपना करता है, आत्मा ही विकर्ता है, भोक्ता है, और आत्मा ही उससे मुक्त हो सकता है। और अपने जो आत्मा ही अपना मित्र भी होता है, अपना ही अपना शत्रु भी बनता है। जब वो सुप्रतिष्ठित होता है, सुप्रस्थित होता है, सन्मार्ग पर चलता है, तो आत्मा अपना मित्र होता है, जीव अपना मित्र होता है, और जब वह कुमार्ग पर चलता है तो अपना शत्रु बन जाता है। इस तरह से जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बौद्ध की जब हम चर्चा करें तो बौद्ध में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक विवेचन हुआ है, जैन में भी हुआ है लेकिन बौद्धों में विशेष हुआ है। बौद्धों में चित्त का, चेतसिकों का बड़ा विवेचन है, चित्त और चेतसिकों, जिसको चित्त धर्म भी कहा गया है। वहां पर 52 प्रकार के चेतसिकों का उल्लेख हमको मिलता है और उससे अधिक भी कहीं हो सकते हैं। तो चित्त में जो होने वाले धर्म है उनको चेतसिक कहा है। और एक चित्त और चित्त से भिन्न जो धर्म होते हैं जैसे बुढ़ापा आदि है, वो चित्त विप्रयुक्त धर्म के रूप में जाने गए हैं। तो चित्त का विवेचन वहां पर जो हुआ है, हम चित्त की धारा चेतना कॉन्शियसनेस से ही जुड़ी हुई है, चित्त तो कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, तो कॉन्शियसनेस के बिना काम नहीं चलता, कॉन्शियसनेस तो है ही है, पर नित्यता स्वीकार नहीं करते उसकी, एक ऐसा नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये बौद्धों ने हो सकता है ममत्व को उत्पन्न न करने की दृष्टि से ऐसा बुद्ध ने उपस्थित किया हो, क्योंकि मेरा मैं और मेरापन स्वीकार करना, जब हम आत्मा को स्वीकार करते मैं मेरापन जल्दी सी मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगता है। पर वहां अनात्मवाद का प्रतिपादन करते समय एक बात और कही है कि वेदना रूप वेदना आत्मा नहीं है, संज्ञा संस्कार विज्ञान आत्मा नहीं है। इस दृष्टि से वो अनात्मवाद का प्रतिपादन इस दृष्टि से भी करते हैं, पंच स्कंधों से रहित ही प्रतिपादन करते हैं। तो चित्त को वो स्वीकार करते, चित्त में और चित्त के साथ साथ चैतसिक धर्मों को, चित्त के वो दो तीन प्रकार के भेद करते हैं। एक कुशल चित्त है, एक अकुशल चित्त है, और एक उपेक्षा चित्त हम कह सकते हैं। दो चित्तों का प्रधान रूप से हम अगर कहें, कुशल चित्त अकुशल चित्त। कुशल चित्त क्या होता है? कुशल चित्त होता है जिसमें अलोभ की अवस्था हो, अद्वेष की अवस्था हो, अराग की अवस्था हो, अमोह की अवस्था हो, यानी इन सब जो दोष हैं चित्त में, जो दोष उन दोषों से रहित होने की जो अवस्था होती है वो कुशल चित्त की अवस्था है। और अकुशल चित्त क्या होता है कि जिसमें चित्त में राग द्वेष मोह ईर्ष्या आदि उत्पन्न होते हैं, तो वह अकुशल चित्त होता है। इसको कुशल धर्म और अकुशल धर्म भी कहा गया है। तो इस तरह से कुशल चित्त तो अपनाने योग्य है और अकुशल चित्त को त्यागने योग्य है। धम्मपद में भी इस तरह की बात कही गई कि जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा क्या है कि सर्वस्य पापस्य अकरणम् कुशलानम् उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतम् बुद्धानम् शासनम्। बुद्ध का शासन क्या है, बुद्ध का उपदेश क्या है कि बुद्ध का उपदेश है सर्वस्य पापस्य अकरणम्, सभी प्रकार के पाप क्रिया को न करना, कोई किसी तरह का पाप नहीं करना, किसी तरह का पाप नहीं करना, यानी हिंसा भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, चोरी भी नहीं करना, मैथुन भी नहीं करना, ये सुरा मेरे का सेवन नहीं करना, मोह नहीं करना, राग नहीं करना, ये सब पाप ही है। तो किसी प्रकार का पाप नहीं करना और क्या करना, कुशलानम उपसंपदा, कुशल जो भी धर्म है उनको स्वीकार करना, कुशल धर्म हो, कुशल चित्त में जो उत्पन्न होने चाहिए उनको स्वीकार करना, ये मार्ग है। और तीसरी बात कही सचित्त परियोदपनम, सचित्त करना स्वचित्त, अपने चित्त की विशुद्धि करना, यही भगवान बुद्ध का शासन है, अनुशासन, यही उनकी शिक्षा है। और महावीर भी इसी तरह की बात करते हैं, वहां भी पाप से विरक्ति की बात करते हैं, 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं मुख्य रूप से।
उन 18 प्रकार के पापों से विरति कर लें, उन 18 के प्रकार के पापों को हम त्याग दें और क्या करें, उनसे विरति की बात करने के साथ साथ हम धर्मों को अपनाएं, कौन से क्षमा आदि धर्मों को अपनाएं, 10 धर्म जो कहें उनको अपनाएं, और या इनको छोड़ने पर अपने आप धर्म आ जाएंगे, तो अपने चित्त की शुद्धि हो जाएगी, आत्मशुद्धि हो जाएगी, चित्त की शुद्धि कहें, आत्मशुद्धि कहें, जीव जीव के जो भाव है भाव शुद्धि कहें, ये जैन धर्म उनका प्रतिपादन करता है, और उस तरह से फिर क्षायिक भाव की कोई प्राप्ति कर सकता है। तो ये दोनों में समानता असमानता हम पदे पदे देखते हैं, पर दोनों चूंकि आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं और दोनों ही जीव को या कहें कि हमको दुख मुक्ति की ओर ले जाना चाह रहे हैं, तो दोनों में हमको बहुत समानता दिखाई पड़ती है। एक जो प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत है बौद्धों का, प्रतित्य समुत्पाद की चर्चा वो करते हैं, तो प्रतित्य समुत्पाद में द्वादश आयतन की बात तो करते हैं कि इसके होने पर ऐसा होता है, इसके होने पर ऐसा होता है, तो किसके होने पर क्या होता है उसके अनुसार कारण कार्य का सिद्धांत भी वहां आता है। जैन धर्म में भी उसकी बात, इसके होने पर ऐसा होता है, ये कारण कार्य हम फलित करते हैं, ये कारण कार्य का सिद्धांत वहां पर भी लागू होता है। लेकिन जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा में हमको कारण कार्य को लेकर के बहुत सारे मतभेद दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध परंपरा में जहाँ असत कार्यवाद है और जैन परंपरा में सदसत कार्यवाद है, सदसत कारणवाद है, वहाँ असत कारणवाद असत कार्यवाद उनकी चर्चा मिलती है, क्योंकि शून्यवादी उस तरह का प्रतिपादन करते हैं। तो जो नहीं है और डिपेंडेंट वाली बातें प्रतित्य समुत्पाद में डिपेंडेंट है, ओरिजिन डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, उत्पाद जो है वो, और उसी से शून्यवाद आया, शून्यवाद निष्प्रभावता को ले जाता है, यानी कि वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है, अपनी कोई स्वयं की एग्जिस्टेंस सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इस तरह से वहाँ निष्प्रभावता की चर्चा या शून्यता की चर्चा। शून्यता का मतलब यानी कि संसार में कुछ भी नहीं है, व्याख्या करने में उस तरह से करते हैं कि सत असत सद असत और न सत न असत से इन चतुष्कोटि से जो विनिर्मुक्त है वो शून्य है और वो निष्प्रभाव है, इस रूप में चर्चा करते हैं। पर वहाँ ये कहते हुए भी ये उनकी दृष्टि नहीं है कि जगत नहीं है, जगत तो शून्यवादी भी स्वीकार करते हैं, उसकी व्याख्या करने की दृष्टि का भेद है। बौद्धों के दर्शन ने एक बड़ा योगदान किया भारतीय परंपरा में, कि जो वैदिक परंपरा के दर्शन थे उनके खंडन भी इन्होंने किए और खंडन में हिलाकर रख दिया, न्याय परंपरा को, मीमांसा परंपरा को, चाहे वो न्याय परंपरा में गौतम के बाद वात्स्यायन हुए और वात्स्यायन के बाद उद्योतकर हुए, तो वात्स्यायन तक दिंगनाग आदि ने जो खंडन किया है उससे उद्योतकर आदि जो है वो खंडन में प्रवृत्त हुए और भारतीय दर्शन परंपरा उससे बढ़ती चली गई, एक दूसरे के खंडन मंडन से धर्म कीर्तियां खंडन करते हैं। तो ये इनका जो दार्शनिक प्रतिपादन है, चाहे वो शून्यवाद का प्रतिपादन से नागार्जुन हुए, शून्यवाद का प्रतिपादन किया माध्यमिक कारिका आदि के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से वो करते हैं, तो बहुत सारी बातों का वो जो परंपरा में चल रही थी खंडन कर देते हैं और एक नया दर्शन स्थापित करते हैं। विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान के अलावा संसार में कोई सत पदार्थ नहीं है, वो विज्ञान से ही व्याख्या करते हैं। तो इसमें शाखाएं स्वतंत्र बन गई, स्वतंत्र विचार आ गए। जैन परंपरा में भी यद्यपि दिगंबर श्वेतांबर दो परंपराएं हैं, लेकिन इतना मतभेद वैचारिक नहीं है, कुछ कुछ जगह पर वैचारिक मतभेद है, लेकिन मूल बातों में बहुत स्वीकारता है। हाँ, विचारक होते हैं तो कुछ बातों में विचार यहाँ पर भी मिलता है, पर इतना स्वतंत्र विचार हम नहीं कह सकते कि इनको अलग शाखाओं में, दार्शनिक शाखाओं में विभाजित किया जा सके। तो जैन दर्शन में क्योंकि एक विशेषता रही नए दृष्टि की विशेषता जैन दर्शन की, जो हमको वहां पर दिखाई नहीं पड़ती, नए दृष्टि, नए जिसको कहा जाता है, एक अलग अलग व्यूज, हम अलग अलग दृष्टिकोण से बातों को जानते हैं, व्यू पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग व्यू पॉइंट से विचार किया गया है, और वहां पर इस तरह का नहीं है, एकांत से विचार होता है, या तो उसको इस तरह से कहना कि वो क्षणिक है, बस इस क्षणिक कह दिया है, लेकिन जैन दार्शनिक क्षणिकता को भी स्वीकार करते हैं पर्याय की दृष्टि से, और नित्यता को भी स्वीकार करते हैं द्रव्य की दृष्टि से, इसीलिए वहाँ अनेकांतवाद का विकास हुआ, यहाँ शून्यवाद का विकास हुआ, वहाँ अनेकांतवाद का विकास हुआ। तो ये विकास की धारा भिन्न रही दोनों की। अनेकांतवाद की मैं यहाँ चर्चा विशेष नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अनेकांतवाद जैन धर्म का वैशिष्ट्य बन गया, हालांकि उसके बिना किसी का काम नहीं चलता है, किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चलता है, इसीलिए सिद्धसेन ने कहा है, जैन बिना लोग सब व्यवहारो भी सब्बहाना निबड़ई,
तस्य भुवनेक गुरु नमो मणिगंतवायस। इस लोक के जो एकमात्र गुरु अनेकांतवाद है उसको नमस्कार है, क्योंकि उसके बिना इस लोक का काम नहीं चलता है, अनेकांत को स्वीकार करना ही पड़ता है। हम वो ही हैं जो पैदा हुए थे, ये भी मानना पड़ता है, और हम में परिवर्तन हो गया, ये भी मानना पड़ता है। वो ही है कहते भी समस्या हो जाती है, कह रहे वो तो छोटा सा पैदा हुआ था, वो तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो आज कैसे हो सकता है, इसमें तो बहुत परिवर्तन हो गया है। तो ये जो भेद है उसको भी स्वीकार करना आवश्यक है लोक व्यवहार के लिए, और वो ही है ये भी स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति वही चल रहा है, शरीर जो बना था वही शरीर आज भी चल रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है लोक व्यवहार के लिए, इसको जैन दर्शन साथ में लेकर के चलता है और नए दृष्टि से लेकर चलता है। नए दृष्टि बहुत सारे नयों से कथन करते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नये तो है ही है, लेकिन नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभिगूढ़ एवं भूत, इन नयों का प्रतिपादन हुआ है, ऐसा प्रतिपादन हमको बौद्ध दर्शन में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दृष्टि का भेद है, दोनों में समझने का अंतर है, लक्ष्य एक ही है, दुख मुक्ति का लक्ष्य है। इस तरह से बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, चर्चा और भी हो सकती है, पर एक बात पर ये दोनों हम कहें, अहिंसा की बात अगर हम करते हैं तो अहिंसा में जो सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन में प्राप्त होता है उतना सूक्ष्म विवेचन हमको बौद्ध में प्राप्त नहीं होता। ये आचार की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध परंपरा में पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक ये जीव नहीं है। जैन परंपरा में पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, सब में जीव स्वीकार किया है। बौद्ध दर्शन में वनस्पति में यद्यपि चेतना को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक ग्रंथ है धर्म कीर्ति का न्याय बिंदु, न्याय बिंदु में उदाहरण देते हुए अचेतना स्तरव ऐसा उदाहरण दे दिया कि जो वृक्ष है वो अचेतन है, वहां पर अचेतन उसको स्वीकार किया है। अब ये दोनों परंपराओं में किस तरह से भेद है मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन वहां इतना उसको प्रबलता से स्वीकार नहीं किया गया जितनी प्रबलता से जैन दर्शन स्वीकार करता है, और ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो लोक में जो अस्तित्व है उसके अस्तित्व की व्याख्या जिस तरह से विस्तार से जैन दर्शन में हुई है वैसी व्याख्या हमको नहीं मिलती वहां पर। और आचार की दृष्टि से भी अहिंसा के आचरण की बात, मैंने साधु के आचरण की बात की, चाहे मृषावाद का आचरण हो, एक गृहस्थ भी किस तरह से आचरण करता है वो अगर हम दोनों परंपराओं में देखेंगे तो जैन परंपरा में ऐसे गृहस्थ मिलेंगे जो बड़े त्यागी विरागी हैं, खाना रात को नहीं खाते, पानी भी नहीं पीने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, जबकि वहाँ भिक्षु भी रात्रि को भोजन कर लेता है। तो ये आचरण का भेद हमको दिखाई पड़ता है। जैन परंपरा में जो साधु हैं वो अपने पास कोई पैसा नहीं रखते और यात्रा किसी वाहन से नहीं करते, अपवाद में कुछ करते हैं लेकिन अधिकतर जो साधु साध्वी हैं वो वाहन का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए वो विदेशों में नहीं जा पाते हैं, दूसरे देशों में नहीं गए, और बौद्ध भिक्षु उनका इस्तेमाल करते हैं, पास में कहीं कोई पैसा भी रखते हैं, उस तरह के भिक्षु वहां पर हैं। तो ये दोनों की परंपराओं में भेद होने से थोड़ा आचरण का भेद है। ये अवश्य है कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म जो है अन्य देशों में प्रचारित हुआ, वह चीन में, जापान में, कोरिया में, श्रीलंका में, बहुत सारे देशों में पहुंचा है। जैन धर्म उस तरह से पहुंचा था, थोड़ा उस समय जो भारत की सीमाओं से लगा हुआ था वहां पर हमको अवशेष प्राप्त होते हैं, अफगानिस्तान आदि में और दूसरे देशों में भी प्राप्त होते हैं, ईरान आदि में, लेकिन अभी साधु साध भी वहां पर क्योंकि मर्यादा है आगे नहीं जा सकते। जब यहाँ पाकिस्तान और भारत एक था तो कराची में कहें और जो दूसरे शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ सब जैन साधु रहते थे, मंदिर थे, स्थानक थी, सब थे, लेकिन जब सीमा बट गई तो अब कोई जैन साधु पाकिस्तान भी नहीं जाता है। तो ये सीमाकरण हो गया, जैन साधु की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, आचरण की मर्यादाएं हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम ज्ञान मीमांसा की अगर चर्चा करते हैं तो ज्ञान की दृष्टि से जो पांच ज्ञानों का विवेचन हमको जैन दर्शन में प्राप्त होता है, पांच ज्ञानों का प्रतिपादन है यहाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस तरह से पांच भेद हैं ज्ञान के, ऐसा हमको प्रतिपादन बौद्ध दर्शन में प्राप्त नहीं होता। ज्ञान की विवेचना है, ज्ञान का महत्व है और बोधि की बात है, लेकिन इस तरह का प्रतिपादन वहां नहीं है। और श्रुत ज्ञान का कितना महत्व है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। श्रद्धा का महत्व दोनों जगह है, श्रद्धा की बात दोनों जगह कही गई है, जो बोधि पक्षी 37 धर्म है उनके, उनमें श्रद्धा को कई जगह पर गिना गया है, श्रद्धा वीर आदि को, और पतंजलि योग सूत्र में भी उसकी चर्चा है श्रद्धा वीर आदि की। तो श्रद्धा को, वीर्य को बड़ा महत्व दिया गया है, यहाँ पर भी श्रद्धा को महत्व दिया है, वीर्य को महत्व दिया, पुरुष पराक्रम को महत्व दिया जैन दर्शन में।
क्योंकि श्रद्धा के बिना हम किसी भी क्षेत्र में गति नहीं कर सकते। तो ये श्रद्धा का महत्व दोनों दर्शनों में है, ज्ञान का महत्व दोनों दर्शनों में है, आचरण का महत्व दोनों दर्शनों में। लेकिन आचरण में कहीं कठोरता जो हमको जैन दर्शन में दिखाई पड़ती है उतनी कठोरता वहाँ बौद्ध परंपरा में नहीं है। प्रतिपादन में कुछ रहा होगा, लेकिन जो भी वर्तमान में हम देखते हैं उसमें हमको काफी भेद दिखाई पड़ता है। जैसे शराब का सेवन है, सुरा मेरे का त्याग की बात बुद्ध ने कही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपासक हैं बौद्ध परंपरा के जो इसका सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। जैन परंपरा में मिल सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम मिलेंगे, और वहां उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, जो अगर सेवन करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वहां माना जाता है कि नहीं माना जाता है, वहां भी नहीं माना जाता होगा, लेकिन फिर भी दोनों में हम आचरण की दृष्टि से भेद देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैन साधु भी बहुत हैं, बौद्ध भिक्षु कम हैं भारत में। पूर्वोत्तर जो प्रांत हैं उनमें विशेष मिलेंगे, या बनारस में हो सकते हैं, या हिमाचल में धर्मशाला है वहां हो सकते हैं, तिब्बत में बहुत मौजूद हैं, दलाई लामा तिब्बत में रहते हैं। तो इस तरह से जुड़ा हुआ तो है भारत में। बौद्ध दर्शन को वापस पुनर्जीवित भी किया जा रहा है, यहाँ नालंदा में विश्वविद्यालय है और बौद्ध अध्ययन केंद्र कई विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, ये बौद्ध परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। लेकिन अपनी जो चिंतन धारा है, उस चिंतन धारा में दोनों में कहीं साम्य और कहीं वैषम्य हमको प्राप्त होता है। पर इस बात में जरूर मैं कहूंगा कि ये दोनों दर्शन वैदिक परंपरा में जहाँ अधूरापन था, या कहें कि जो गलत दिशा में जा रहा था वैदिक परंपरा, उसको सही दिशा में लाने को, आम जन को सही दिशा में लाने का इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, और वहां पर भी परिवर्तन हुआ इस कारण से, इन दोनों परंपराओं के कारण से या श्रवण परंपरा के कारण से। परिवर्तन क्या हुआ कि वहां पर उपनिषदों में अध्यात्म का प्रवेश हो गया, जो वेदों में हमको अध्यात्म दिखाई नहीं पड़ता उतना, ब्राह्मण ग्रंथों में दिखाई नहीं पड़ता, उपनिषदों में अध्यात्म प्रवेश हो गया, भगवद गीता में अध्यात्म का प्रवेश हो गया, यानी महाभारत में भी अध्यात्म आ गया, रामायण में भी कुछ अध्यात्म के तत्व हमको मिलने लगे और उस पर फोकस किया जाने लगा। तो ये एक विशेष योगदान कहें, अब ये नहीं कह सकता एकदम, लेकिन फिर भी प्रभाव वहां दिखाई पड़ता है, प्रभाव न कहें लेकिन परंपरा में जब विकास दिखाई पड़ता है तो वहां भी हुआ होगा, क्योंकि सुनते हैं कि इस तरह से बात चल रही तो वहां भी इस तरह का मस्तिष्क में विचार आता है, और मस्तिष्क में विचार आने से उपनिषदों का निर्माण, क्योंकि बात तक भी होता रहा है, कुछ प्राचीन उपनिषद हैं कुछ नवीन उपनिषद हैं, तो उपनिषदों में भी अध्यात्म हमको दिखाई पड़ता है, जैसा हम उससे पूर्व का जो साहित्य इसमें दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह से दोनों परंपराएं भारत में भी वैचारिक विकास की एक आधार रही हैं, और पारस्परिक समन्वय में बहुत काम किया जैन धर्म में अनेकांतवाद के सिद्धांत ने, कि इसीलिए जैन लोग जो है यहाँ टिके रहे अनेकांतवाद और नएवाद के सिद्धांत के आधार पर, उनको बाहर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दूसरी बात कि ये अहिंसा के आधार पर आगे बढ़ते हैं, हिंसा का कहीं सहारा नहीं लेते, बलात् किसी को अपनी परंपरा में दीक्षित करने की बात नहीं सोचते। तो इनकी वैशिष्ट्य है, इतना ही निवेदन कर अपनी राम ग्रहण करता हूँ। अगर कोई प्रश्न होंगे तो इसकी चर्चा बाद में हो सकती है। धन्यवाद। जय नमस्कार। जैन सर एक प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न है तो पूछिए। जैन सर, आज बौद्ध धर्म पूरा विश्व में अच्छी तरह से फैला हुआ है, जहाँ जैन धर्म शायद भारत तक ही सीमित रहा है, तो हमें अगर पूरा विश्व में उसका डंका बजाना है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपका प्रश्न एकदम सही है और आप भी इस पर विचार कर सकते हैं। मैं एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये सीमित क्यों रहा और बौद्ध धर्म क्यों बढ़ा। तो एक तो स्थिति, दो स्थितियां, एक तो इसमें जैन धर्म के आचार की जो कठोरता है साधु साधु के साथ, उसके कारण से वो विदेशों में नहीं जा सकते, वाहन का इस्तेमाल नहीं करने के कारण से विदेशों में जाना उनका संभव नहीं है, क्योंकि सब जगह पदयात्राएं नहीं होती हैं, और अब सीमाकरण हो गया देशों का। जब भारत भूभाग बड़ा था तो विभिन्न देशों में जा सकते थे, पैदल भी जाते थे, नेपाल और भूटान और अन्य देशों में भी गए हैं, जैसा निर्मल कुमार जी सेठी ने और उनकी टीम ने अन्वेषण किया तो बहुत सारे देशों में हमको जैनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। जब भूभाग जहाँ तक विस्तृत था तो गए होंगे, पर आज हमको उस तरह की स्थिति नहीं है। दूसरी बात कि जैनों ने जो अनेकांतवाद है उसके कारण से यहाँ पर समन्वय स्थापित कर लिया वैदिक परंपरा के साथ में, और उनको आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ से जाने की। पर आप कह रहे हैं कि विकास कैसे हो, विदेशों में कैसे फैले, तो विदेशों में फैलने का आधार अगर गृहस्थ कर सकता हो
गृहस्थ इस तरह के हों और मध्यम श्रेणी अगर साधु के और गृहस्थ के बीच की उत्पन्न हो जाए तो वो कर सकती है जो अनुव्रतों का पालन करे पूरी तरह से, क्योंकि आचार के बल पर ही कोई आगे बढ़ सकता है। उनको अपने आचार को क्षीण करके केवल धर्म का उपदेश देने से धर्म आगे नहीं बढ़ता, आचार को भी लोग देखते हैं। तो साधु साध्वी अगर बाहर जाते तो शायद फैल जाता, क्योंकि जो बौद्ध धर्म फैला है वो कोई बलात् उससे नहीं बल्कि करुणा के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, और बुद्ध के जो उपदेश जीवन को टच करने वाले हैं, जीवन को बदल देने वाले उपदेश हैं, उन उपदेशों के आधार पर आगे बढ़ा है। जैसे बुद्ध भी कहते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और इसी तरह के बात महावीर भी करते हैं कि रक्त से सने हुए वस्त्र को रक्त से नहीं धोया जा सकता, उसको जल से ही धोया जा सकता है। तो इस तरह से दोनों की धारा एक होते हुए भी अब प्रचार कैसे किया जाए, हम विचारों को साहित्य के माध्यम से तो पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं, उसमें विद्वानों की आवश्यकता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट करें और उन देशों की भाषा में प्रेजेंट करें, अंग्रेजी में प्रेजेंट करें, अंग्रेजी के अलावा विभिन्न देशों की भाषाओं में, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य हो चीनी में ट्रांसलेट हुआ था, तिब्बती में ट्रांसलेट हुआ, सिंगली भाषा में ट्रांसलेट हुआ, जापानीज में हुआ, उन देशों की भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। और हमारा साहित्य वो जो प्राकृत में ही है और ट्रांसलेशन हुआ है तो हिंदी में हो गया, कुछ का अंग्रेजी में हो गया, तो उस तरह का अपने यहाँ कोई अभियान नहीं है। और साधु साध्वी भी इस कार्य में बहुत कम लगते हैं, वो अपने आचार में ही रहते हैं, अपने बस जो आचार का एक बना हुआ है उनका दिनचर्या का क्रम उसमें रहते हैं, लेखन और इस तरफ उनका ध्यान नहीं। और गृहस्थों में जो लोग हैं वो भी इसको महत्व नहीं देते, क्योंकि धनार्जन को अधिक महत्व देने वाले और आजीविका के साधन को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आजीविका कैसे प्राप्त होगी, कौन इसको प्रोत्साहित करेगा, अगर ये कदम भी उठा लिया जाए तो लोगों तक तो पहुंचेगा साहित्य और लोग पढ़ेंगे तो उससे ही कुछ फॉलोअर्स बनेंगे। अगर फॉलोअर्स गिनती में नहीं आए तो भी बुद्ध का, महावीर का उपदेश तो जन जन तक पहुंचेगा और कुछ पहुंच भी रहा है। आज जो कोरोना काल में जैन धर्म की महत्ता उजागर हुई है देश में, अनेक परंपराओं में उजागर हुई है, जैन धर्म कितना किस तरह से महत्व रखता है, तो वो अपने आप में एक उपलब्धि है और वो उपलब्धि पूरे विश्व में भी हो सकती है। और बीच की परंपरा अगर कायम होती है श्रावक के और साधु के बीच में, से समणियां बनी हैं लाडनू में, वैसे ही और समणियां बने और वो अपने आचार के आधार पर, उपदेश के आधार पर प्रचार करें, तो जैनों के अलावा दूसरों में भी प्रचार करें। अभी जो प्रचार होता है तो हमारे जो जैन भाई विदेशों में रहता है उनके बीच प्रचार होता है। एक काम हो रहा है अमेरिका में 24 विश्वविद्यालयों में जैन धर्म की चेयर की स्थापना हुई है, वहां पर अलग अलग चेयर बनी है और सुलेव जी जैन आदि लोग उसमें बड़ा योगदान कर रहे हैं, तो वो प्रशंसनीय है। वहां पर दूसरे लोग चेयर पर बैठे हैं, अजैन लोग चेयर पर बैठे हैं और वो जैन धर्म को पढ़ा रहे हैं। इस तरह से जैन धर्म का, जैन दर्शन का प्रचार हो रहा है, जिससे हम परिचित भले ही न हो पर वो हो रहा है। लंदन में भी एक जैन स्टडी सेंटर है, लंदन यूनिवर्सिटी में है, कनाडा में भी कुछ लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अन्य देशों में विश्वविद्यालय के शिक्षा के आधार पर जैन धर्म से परिचित हो रहे हैं। अनुयायी बनना अलग बात है, जैन धर्म को जानना अलग बात है, जैन धर्म को जानने की बात तो पैदा हो रही है, ये एक उपलब्धिपूर्ण है। और इसमें जितना कोई सोचेगा, प्रयत्न करेगा, तो ये निरंतर श्रृंखला आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद जी। अगले प्रश्न के लिए अच्युत कांत शास्त्री जी हैं। सबसे पहले मैं आप श्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण आज ये बहुत सुंदर गोष्ठी हुई। मेरे आपसे दो प्रश्न है। एक त्रिपिटक के उल्लेख बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इससे पहले कोई कठिन मार्ग अपनाया होगा। तो क्या गौतम बुद्ध ने बौद्ध दीक्षा अंगीकार करने से पहले जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की थी या जैन दिगंबर मुनि बने थे? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं मिलता कि वो जैन परंपरा में दीक्षित हुए हो, लेकिन उदक राम पुत्र और इनके पास उन्होंने ध्यान साधना सीखी थी, उनमें कई का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ध्यान साधना विभिन्न व्यक्तियों के पास में सीखी और स्वयं ध्यान साधना में जब वो कठोरता पूर्वक लगे हुए थे तो उनको बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जब सुजाता खीर लेकर आई, उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, वो बलात् अपने को साधना में संलग्न करना चाह रहे थे, तो जब उनको लगा कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, और सुजाता की खीर का उन्होंने सेवन किया, उसके बाद थोड़ा शरीर को राहत मिली
फिर उन्होंने वो वापस ध्यान में बैठे तो उनको बोधि की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मध्यम मार्ग उचित है, न वीणा के तारों को इतना खींचो कि वो टूट जाए और न इतना ढीला छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। वो मध्यम मार्ग को आधार बना करके ही वो शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं मध्यम मार्ग। वो केवल सबको शाश्वत भी नहीं मानते और एकदम एनिहिलेशन भी नहीं मानते कि एकदम संसार में कुछ नहीं है, उच्छेद भी नहीं मानते, शाश्वत भी नहीं मानते, बीच का मध्यम मार्ग लेकर चलते हैं, मध्यम मार्ग से सारी विवेचना करते हैं। तो इसलिए वो मध्यम मार्गवादी हैं। इसकी पुष्टि नहीं होती कि वो जैन धर्म में दीक्षित हुए थे या महावीर के अनुयायी बने थे, हो सकता परिचय रहा होगा, क्योंकि प्राचीन जो उल्लेख है वो सब चीजों के उल्लेख नहीं है। आज भी हम जितनी अनेक घटनाएं होती है सबका कौन उल्लेख दर्ज करता है, अब तो फिर भी बहुत साधन हो गए हैं, पर सब चीजों का कहीं उल्लेख नहीं होता है। उनका परस्पर मिलन भी हुआ होगा, संभव है क्योंकि समान काल में थे, पर उसका कहीं क्योंकि जो हमारे जो आगम जिनका संकलन हुआ बौद्धों में, तो फिर भी बहुत बुद्ध की बातें बहुत सुरक्षित रह गई, मूल सुरक्षित रह गई, क्योंकि उनकी 4 महीने के अंतर्गत ही संगीति हो गई थी बुद्ध के निर्माण के बाद। जैन धर्म में पहली संगीति जिसको वाचना कहा जाता है वो 160 वर्ष के पश्चात हुई, तो बहुत सारी बातें मिट गई और ये आवश्यक भी नहीं समझा गया हुआ कि सभी घटनाओं का उसमें उल्लेख किया जाए। पर मतभेद तो दोनों में रहा होगा, दो अलग अलग साधक अपनी अपनी दृष्टि से साधना करते हैं, करते रहे। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो दिगंबर जैन बने थे या नहीं बने थे। एक्चुअली त्रिपिटक की एक वर्स था या एक ऐसे पद्य था जिसमें ये लिखा था कि मैंने जो पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि मैं नग्न रहा, मैंने हाथों से अपने केश नोच किया और ऐसे इस प्रकार की तपस्या की और फिर वो मेरे से साधना नहीं हुई और इसलिए फिर मैंने ये मध्यम मार्ग ने कठोर साधना उन्होंने की, ये तो उल्लेख मिलता है, पर ऐसा नहीं कह सकते वो किसके साथ दीक्षित हुए और कैसे किया है। नहीं, जैसे जैन मुनिराजों का केश नोच करना ये बहुत फेमस है और नग्न रहना बहुत फेमस है और इस प्रकार की कुछ क्रियाएं हैं जो जैन मुनिराजों की होती हैं और उन्होंने ये कहा था कि मैंने इस प्रकार से फॉलो किया। ये रेफरेंस मेरे ध्यान में नहीं है, आप मुझे रेफरेंस भेजेंगे तो मेरे भी काम आएगा। एक और प्रश्न था, एक और सुनते हैं कि अंबेडकर जो हुए B.R. अंबेडकर जी, वो पहले जैन धर्म के प्रति भी ऐसा मैंने व्याख्यान में ही सुना था कि वो जैन धर्म के अपनाना चाहते थे कि कदाचित जैन समाज ने अपनाया नहीं या कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण फिर वे बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हो गया। इसके संदर्भ में मैं ऑथेंटिसिटी इस बात की जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, मैंने अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, उनके साहित्य को पढ़ा, तो उनका जो हिंदू परंपरा है उससे विरोध था मन में और बहुत विरोध था। तो वो कोई उन्होंने ट्राई किया कि भाई ईसाई को अपनाऊं, इस्लाम को अपनाऊं, जैन धर्म को अपनाऊं या बौद्ध को अपनाऊं। उन्होंने सब तरह से अपनी परीक्षा करके देखा क्या उचित रहेगा। जैन धर्म के लिए भी उन्होंने सोचा था, लेकिन जैन धर्म को कई कारणों से उन्होंने नहीं अपनाया। उसका उल्लेख भी उन्होंने अपने जो लिखा है अपने बारे में उसमें आपको मिल जाएगा। पर बौद्ध धर्म को भी उन्होंने परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है ऐसा, क्योंकि ये संभव नहीं था जैन धर्म में, यहाँ पर संभव इसलिए नहीं था कि यहाँ पर बहुत सारे जैन रहते थे, बौद्ध नहीं रहते थे। बौद्ध उत्तर भारत में कोई बौद्ध ऐसे रहे नहीं थे भारत में। तो उन्होंने देखा कि जो धर्म यहाँ से चला गया है और जो धर्म इतनी अच्छी बातें करता है, जो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को महत्व नहीं देता है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, तो अंबेडकर को लगा कि मैं यहाँ जैनों के साथ जैन धर्म को बदल के तो नहीं जी सकता। जैन धर्म तो पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, मैं यहाँ कैसे ही भारत में रहकर पुनर्जन्म का कैसे परिहार कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने उल्लेख नहीं की गई हूँ, ये मैं तो अपने अपने बुद्धि से कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में, क्योंकि जैन धर्म को यहाँ बदल करके प्रस्तुत करना संभव नहीं था उनके लिए, बौद्ध धर्म को बदल करके प्रस्तुत करना संभव था क्योंकि उसके फॉलोअर्स नहीं थे, तो वो बुद्ध के अनुयायी बन गए और परिवर्तन के साथ बन गए। अगले क्वेश्चन के लिए अभी अच्युतकांत शास्त्री कुछ कहना चाहते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। अगले वक्ता जो अगले क्वेश्चन करने के लिए यो दो हैंड और अभी रेज हैं हमारे पास में, लेकिन मैं उन दोनों से ये निवेदन करूंगा कि जरा अपना प्रश्न जरा संक्षेप में पूछ लीजिए, क्योंकि समय की कुछ हमारे बीच ऐसे भी श्रोता हैं जो चौबिहार करते हैं, तो उसको दृष्टि में रखते हुए अभी मैं योगेश जी को अनम्यूट करता हूँ, वो अपना प्रश्न पूछेंगे।
प्रणाम सर, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आपका। सर मेरा विपासना और जैन ध्यान के ऊपर क्वेश्चन है कि विपासना को जैनिज्म में क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जबकि वो संभव की क्रिया है, या कोई रेफरेंस है जो नहीं मान पा रहे हैं हम, या वैसा कुछ? आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि हेलो, आ रही है मेरी आवाज अभी? हाँ जी आ रही है, बीच में कट रही है। हाँ बोले, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि विपासना को जैनिज्म में क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया, या जैन इसको विपश्यना। अरे ऐसा है, देखो सुनिए, इसमें ये है कि विपश्यना साधना जो आज आपके परिचित हुई है, हाँ। विपश्यना साधना बर्मा से यहाँ आई है, अभी सत्यनारायण जी गोयनका लाए हैं, और ध्यान साधना प्राचीन रही है। वो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ध्यान साधना करते थे, कुछ कॉमन भी थी। और विपस्सी शब्द का प्रयोग हमको आचारांग सूत्र में मिलता है, विपस्सी शब्द का प्रयोग हुआ, वो लोग विपस्सी शब्द का प्रयोग हुआ, लोक का विपस्सी देखने वाला, और लोक का अर्थ वहाँ शरीर भी करते हैं, शरीर को देखने वाला, लोक को देखने वाला, और देखना कैसे, समता भाव से देखना, ये उल्लेख तो वहाँ मिलता है। लेकिन वो परंपरा हमारे यहाँ जीवित नहीं रही कि वो क्या थी विपश्यना। तो विपश्यना जैन धर्म में रही कि नहीं रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तो बौद्ध की परंपरा मानी जाती है और बहुत सारे जैन भी उसके उन्मुख हुए हैं, पर हमारे आगमों में विपस्सी शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद। अगले प्रश्नकर्ता हैं एक कुमार पांडे, इनको जरा अनम्यूट कर रहे हैं। जी सर प्रणाम। सर हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। नमस्कार जी, प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न जो है वो वैदिक साहित्य से संबंधित है। जैसे वैदिक साहित्य में हम श्रमण परंपरा और ब्राह्मणिकल परंपरा देखते हैं, तो जिस तरीके से ऋषभ देव का वर्णन हमको ऋग्वेद में मिलता है, और फिर कालांतर में जो श्रमण परंपरा होता है उसके कई स्वरूप दिखते हैं छठी शताब्दी से पूर्व आते हुए, और उसमें आजीवक और सभी लोग मिलते हैं, तो सर हम उस श्रमण परंपरा के जैन तक की यात्रा को अगर देखते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस श्रमण परंपरा का जो प्रमुख प्रतिनिधित्व कर रहा है वह जैन परंपरा ही कर रहा है, और ये जो सारे जो अन्य जो छह जो मुख्य परंपराएं होती हैं छठी शताब्दी से पूर्व में जिन जिनका उल्लेख मिलता है वो आगे चल के डाइल्यूट हो जाती हैं, उनके वस्त्र के बारे में, उनके आचरण के बारे में, श्रमणों के जो हमको वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य में वर्णन मिलता है, तो उस चीज को सर मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या जैन परंपरा उसी श्रमण परंपरा का ही एक उत्तरोत्तर स्वरूप है या एक निरपेक्ष स्वरूप है, और मैं जोड़ने का मेरा आधार ऋषभ देव का वर्णन है जिसको ऋग्वेद में हम देखते हैं। जी सर प्रणाम। अभिषेक जी। जी सर। हमारी मतलब जैन परंपरा जो रही है वो ऋषभ देव से इस अवसर्पणी काल में रही है, और वो करोड़ों वर्ष उसको हो गए हैं, करोड़ों वर्ष पहले से है। हम नहीं कह सकते उसमें वर्षों में कितना हम वर्ष का मापन करें, क्योंकि 10 उस ये सागरोपम में पूरा एक अवसर्पणी काल माना जाता है, और 10 सागरोपम का उत्सर्पणी काल माना जाता है, पर वो ऋषभदेव का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में हमको मिलता है, हूबहू पूरा वही वर्णन है, नाम आ जाने से हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम स्वीकार करके चलते हैं कि भाई ये वही ऋषभदेव होंगे। पर प्राचीन जो हमारे पास साहित्य है वो ऋग्वेद है, उससे पहले का साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर महा ऋषभदेव तो उससे भी पहले हो गए हैं, बहुत पहले हो गए हैं ऋषभदेव तो। अब ऋषभदेव के बारे में बाद के जो साहित्य है, आगम में भी उल्लेख मिलता है, और बहुत साहित्य बाद में लिखा गया, पुराण साहित्य लिखा गया, उसमें ऋषभदेव आदि पुराण आदि में वर्णन मिलता है हमको, त्रिषष्टी शलाका पुरुष चरित्र में मिलता है, ये सब साहित्य बाद में लिखा गया है। पर ये उसी को जो तीर्थंकर परंपरा है, तीर्थंकर परंपरा में जो तीर्थंकर के गुण होते हैं उनको लेकर के, उनके माता पिता के नाम तो हमको मिलते ही हैं, गरुदेवी और नाभिराज नाम मिलते हैं, और ऋषभदेव की क्या स्वरूप रहा होगा, कैसे रहे होंगे, उनकी जो शिक्षाएं उनके बारे में भी हमको उल्लेख मिलता है, उन्होंने असीम असी कृषि का उपदेश दिया था, और उनके भरत का, बाहुबली का, इनका सबका वर्णन प्राप्त होता है। सारा वर्णन तो हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता, जैन साहित्य में मिलता है, तो हम प्राचीन मान सकते हैं उसको ऋग्वेद को, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उसमें संपूर्ण विवरण है, संपूर्ण विवरण तो जैन साहित्य में प्राप्त होता है, उसी को हम ऑथेंटिक मानकर चलेंगे, वो एक आधार जरूर बन जाता है कि भाई उसमें प्राचीन एक ऋषि का नाम उसको शामिल किया गया। अभी हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए
और आपके आभार के लिए मैं हमारे शोध सहायिका रेशमा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्ते। तो पूरा जो हमने जो सर के द्वारा हमने लेक्चर सुना, तो विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध दर्शन इनमें जो भेद है और साम्य है, इसका बहुत ही गुह्यता से और गहराई से सर ने वर्णन किया, और साथ ही साथ दोनों जो परंपराएं हैं उनकी क्या मर्यादाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, तो दोनों का बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो हम कहेंगे सर ने जो विवरण किया है वो सभी को हम लाभान्वित उससे हम हुए हैं। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे हमारे जो हमने जो विनती की आपको, उसको आपने स्वीकार किया, और हमारे सभी श्रोता गणों के लिए आपने आज ये सुंदर व्याख्यान जो है आपका हमारे लिए रखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो श्रोतागण थे उन्होंने भी बहुत अंत तक इसे अच्छी तरह से सुना, और अपने जो प्रश्न थे उसको भी सामने लाकर उसका भी समाधान किया, जो कि अन्य लोगों के भी प्रश्न हो सकते हैं। तो सभी श्रोतागणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सब। ठीक है जी, आप सब बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ हम जो है अब इस कार्यक्रम को समापन करने की घोषणा करते हैं। जय श्री। जय श्री। अच्छा।